साल 23 साल गुजर चुके हैं और आज भी उनके गाने बजते ही रहते हैं, नई बात है नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी किशोर भक्त हैं उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। और गाने जो इनमें हैं, दीज आर ऑल वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स। किशोर वंस मोर मीन्स मे बी इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज फैंस, सैकड़ों उनके चाहने वालों। और ये सही है कि आज के जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज न्यू जनरेशन जस्ट बॉर्न, जस्ट 10 साल का बच्चा या 11 साल, ही और शी विल नो व्हाट काइंड ऑफ सिंगर ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज। ही हैड अ स्पार्क एंड आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स व्हाट ही हैड। ही वाज सो स्वीट, एट द सेम टाइम उनके साथ अगर कोई रह भी जाए 24 घंटा तो बहुत कुछ सीख जाए। मतलब इस तरह के इंसान थे वो, कुछ ना कुछ करते रहते थे उनके। ही वॉज, आई कैनॉट डिस्क्राइब वॉट ही वॉज, मतलब कि वेरी अनयूजुअल इज द वर्ड, वेरी अनयूजुअल। ही वॉज नॉट द यूजुअल पर्सन, ही वॉज वेरी अनयूजुअल। दैट्स वाई ही वॉज किशोर कुमार। ही वॉज सो श्योर अबाउट हिमसेल्फ इन जब, मतलब इन फ्रंट ऑफ द माइक, और बगैर सीखे वो गाना भी लिखते थे, वर्ड्स भी लिखते थे, मतलब के धुन भी बनाते थे। तो ये आश्चर्य चीज़ है, मतलब और गाते भी थे, और ऐसा गाते थे मतलब कि पीपल यूज टू गेट मेस्मराइज्ड। आज भी जैसे आप पूछ रहे हो, आज के दिन में भी उनके वॉइस सुन के, मैंने तो ऐसे भी सुने हैं किससे, और कुछ ऐसे भी हुए हैं मेरे साथ, वाक्य हुए हैं। एक इंसान हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं and he was sick, and because of just listening to his songs he becomes okay. Because maine dekha hai apni aankhon se dekha, to kuch to hoga, and I don't know what was his ye. And he always used to say ki main ye bada garv se wo kehte the humko, before he died bolte the ki main ek hi din marunga, uske baad log dhoondenge mujhe lekin main nahi milunga, ye bolte the। तो हम लोग सोचते थे क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या है। उन्हें हाँ मैं एक ही दिन जाऊंगा, उसके बाद जिसके भी गले में थोड़ा बहुत झलक मिल जाए लोग पागल हो जाएंगे, बट यू वॉन्ट गेट मी, मैं नहीं बोलूंगा। ये हमेशा बोलते थे प्राइवेसी, ही लव्ड हिज प्राइवेसी ऑफ कोर्स, ही वाज किसी से मिलते नहीं थे। तो ये उन्होंने जिंदगी देखी हुई थी, उतार चढ़ाव सब देखा था उसमें। शायद ही वॉज लाइक दैट, ही वो बोलते थे कि देखो आज मैं यहाँ हूँ, हाँ एक ज़माना था जब मुझे कोई पूछते नहीं थे, आज मैं हूँ यहाँ पे। तो ही दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट एंड ऑल दैट, बट वो मज़ा लेते थे। एक्सेंट्रिक जो चीज़ है वो जो भी करते थे वो, पीपल यूज्ड टू नेवर, अभी आज अगर मैं कुछ एक्सेंट्रिसिटी करूँ तो लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन व्हेन ही यूज्ड टू डू ऑल दीज, जिसको कहते हैं पागलपन हो या जो भी हो, people used to like the film people used to like, this is Kishore Kumar, you know, this was like that। मैं जैसा भी गाऊं बाप के सामने, I never used to get nervous, कभी नहीं हुआ उनके सामने, because he taught me singing, you know, I learned from him how to sing in front of the microphone। उन्होंने दिखाया मुझे मालूम ही नहीं था microphone क्या है, उन्होंने दिखाया ये microphone है गाओ। माई फर्स्ट सॉन्ग दूर कराई फिल्म, ये जो पोस्टर है आप देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम दूर कराई फिल्म बनी थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी उसका ये। तो वो उसमें एक गाना था, मैंने भी एक्टिंग की थी फिल्म में, आई प्लेड द रोल ऑफ ऑर्फन बॉय। तो उसमें मेरे को फर्स्ट टाइम, दिस इज 1965 की बात कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग की थी बॉम्बे लैब में, वो गाना अभी भी हमें एक पंच वो है आप लोगों के HMV के इसमें है, उसमें नाम अभी तक है अमित गांगुली, तब अमित कुमार नहीं था कोई, अमित गांगुली नाम है। तो वो गाना है मैं एक पंछी मतवाला रे, उन्होंने लिखा था एंड उन्होंने पिक्चराइज किया गाना मेरे ऊपर, गाना मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे, उन्होंने खुद लिखा पिक्चराइज किया है। हम उनके बंगलों में, मुझे पगड़ी पहना दिया था और डफली लेके पेड़ के ऊपर पूरा, फिर उन्होंने मूवी वाला में देखा गाना
एडिटिंग टेबल पर सीक्वेंस के साथ देखा देखा दो चार नहीं जम रहा काट के देख दिया यस चॉप्ड तो गाना है अभी एच एम वी के इसमें है तो पिक्चर में नहीं है सो दिस वॉज हिज यू नो मतलब मुझे बुरा नहीं लगा कि गाना पिक्चर से काट दिया एटलीस्ट इट इज इन सारे गाँव के उसमें है अभी भी पुराने इसमें अमित गांगुली है दैट वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग तो वो फर्स्ट टाइम मुझे माइक्रोफोन दिखाई दिया तो ये गाना है गाओ गाओ अभी वो ही वॉज अ मैन फुल ऑफ आइडियाज नॉट ओनली सिंगिंग ही डायरेक्टेड 8-9 फिल्म्स उनको डायरेक्शन का बहुत शौक था बिकॉज ही यूज्ड टू सी ऑल द ग्रेट डायरेक्टर्स फिल्म्स देख के बचपन से हॉलीवुड के फिल्म्स प्लस इंडियन फिल्म मेकर्स महबूब खान साहब की फिल्म बिमल रॉय के साथ उन्होंने काम भी किया ही एडमायर्ड राज कपूर एज अ फिल्म मेकर दिलीप साहब को बहुत ये करते थे एज एन एक्टर ऑलवेज यूज टू से दिलीप कुमार की पिक्चर देखो अगर एक्टिंग देखनी है सी दादा मुनी हिज ओन ब्रदर ही यूज्ड टू एडमायर सत्यजीत रे वॉज वेरी क्लोज टू फ्रॉम माई मदर्स साइड तो ये सब होके ही ऑलवेज ही वॉज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर वो स्टोरी इतना अच्छा बोलते थे कोई भी स्क्रिप्ट हो कि सामने के आदमी को मतलब कि बिल्कुल मतलब कि ही यूज्ड टू मेस्मराइज ही वॉज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर आपको ऐसा लगेगा यू आर वॉचिंग अ फिल्म दैट वॉज हिज अनदर प्लस पॉइंट एंड ही वॉज अ फैंटास्टिक ये बहुत से लोगों को पता नहीं वो स्केच बहुत अच्छा करते थे सचिन देव बर्मन के सुर में जो उन्होंने गाने शुरू शुरू में गाए थे दुखी मन मेरा आई लव दैट सॉन्ग एंड हिज ओन कॉम्पोजिशन कोई हमदम ना रहा दैट वॉज ओरिजिनली संग बाय हिज एल्डर ब्रदर अशोक कुमार इन जीवन नैया तो वो गाना बड़ा अच्छा कोई हमदम ना रहा इट इज वेरी वेल संग इतना फील से गाया है हिज मेन ये वॉज फीलिंग वो फीलिंग भैया आज भी हम ढूंढते हैं अनुराग बासु इज डूइंग फॉर यू टी वी दैट इज ऑन द कार्ड्स दैट वन इज हैपनिंग रणबीर कपूर इज प्लेइंग अभी तक हमें इतना मालूम है अनुराग बासु केम अबाउट अ वीक बैक सो दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस एंड स्क्रिप्ट एवरी थिंग इज बीइंग टेकन केयर आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ सुपर हिट फिल्म बायोपिक ऑन किशोर कुमार दैट्स इट